So, बच्चों स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना क्या है तीन चीजें हमें पढ़नी होती हैं यहाँ पे पहला हमें जो यू नो मीन निकालना दूसरा मीडियन निकालना, और तीसरा मोड निकालना डेटा का तो ग्रुप्ड डेटा होता है बेसिकली तो सबसे पहले तो आज हम लोग सीखेंगे मीन कैसे निकाला जाता है ग्रुप्ड डेटा का सो so, अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है मैं एक एग्जाम्पल लेके ही मीन निकालूंगा मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं बच्चों पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड दूसरा मेथड जो आज हम लोग सीखेंगे वो है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड है बट ये एनसीआरटी में तो दिया हुआ है लेकिन सिलेबस से हट गया है बच्चों सो so आज हम लोग ये स्टेप डेविएशन मेथड को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये बना रहे हैं तो इसको हटा देते हैं आज हम लोग ये दोनों मेथड करेंगे मीन निकालने का तो फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम स्पेंड किए हुए वेस्ट किए हुए सो so, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं तो क्लास इंटरवल अगर हमारा यहां पर फिफ्टी फाइव टू सिक्स फाइव टू सेवेंटी फाइव है बच्चों और 75 से 85 ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया और जो फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं वो 6, 11, 7, 4, 4, टू और वन ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं बच्चों अगर हम समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करेंगे मतलब इन सब को ऐड करेंगे तो हमें थर्टी फाइव मिलेगा और अब सबसे पहला स्टेप मीन निकालने में यह होता है बच्चों कि हम लोगों को सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालना होता है जिसको एक्स आई कहते हैं एक्स आई क्या हो गया बच्चों क्लास मार्क्स हो गया क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई टू मतलब एवरेज इसका बीच का पोर्शन सो so, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू तो आप देखो बच्चों अपर क्लास लिमिट ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन करोगे फोर्टी होगा डिवाइडेड बाय टू कर दोगे ट्वेंटी हो जाएगा अब आपको यह ध्यान में रखना यहां पे क्लास साइज क्या है टेन है तो आप 10 -10 से इसको बढ़ाते जाओ 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80. इस का होता है तो सिंपली आप यह भी कर सकते हो कि ट्वेंटी डिवाइड करोगे तो थर्टी मिल जाएगा उसी तरह इन सब को एड करके टू से डिवाइड करोगे तो यह क्लास मार्क्स मिल जाएगा क्लास मार्क्स जब आपको मिल गया बच्चों तो इसके बाद सबसे पहला मेथड जो हम लोगों ने देखा था वो था हमारा डायरेक्ट मेथड तो पहले डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग को क्या चाहिए एफ आई एक्स आई का वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट मेथड में जब हम लोग मीन निकालते हैं बच्चों तो वहां पे जो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई मतलब कैलकुलेट करके उन सब का सम निकालेंगे और ये जो summation of fi है उससे डिवाइड कर देंगे बच्चों तो अगर आप देखिए यहां कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा वन ट्वेंटी ये थ्री थर्टी हो गया ये टू एट्टी हो गया उसके बाद ये टू हंड्रेड हो गया टू फोर्टी है वन फोर्टी है और एट्टी है बच्चों इन सब को अगर एड करोगे तो तुम्हें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वन थ्री नाइन जीरो मिल जाएगा बच्चों तो ये जो वन थ्री नाइन जीरो वैल्यू इसमें डाल दो वन थ्री नाइन जीरो डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये थर्टी नाइन पॉइंट सेवन वन आता है जो कि इसका मीन है इस मेथड को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड क्योंकि आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड कर दिया तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया बच्चों सेकेंड वाला जो मेथड है जिसको हम लोग कह रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग आई, जो डेविएशन होता है उसको डेविएशन को एक्स आई माइनस ए लिखते हैं अब ए क्या है बच्चों वो हमारा एज्यूम्ड मीन है एज्यूमड मीन निकालने के लिए जो भी यहां पे, जो भी पे क्लास मार्क्स है उसका मिड पॉइंट आप ढूंढोगे तो यहाँ पे बिकॉज ये फोर्थ डेटा है टोटल डेटा हमारे पास सेवन है तो ये फोर्थ डेटा होगा ये मेरा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा तो फिफ्टी इज द एज्यूम्ड मीन अब इससे डेविएशन निकालते हैं एक्स आई माइनस ए मतलब ट्वेंटी माइनस फिफ्टी करोगे माइनस थर्टी है माइनस ट्वेंटी थर्टी माइनस फिफ्टी माइनस ट्वेंटी होगा फोर्टी माइनस फिफ्टी माइनस टेन होगा फिफ्टी माइनस फिफ्टी जीरो फिर ये टेन है ट्वेंटी है और ये थर्टी है तो हम लोगों ने डेविएशन निकाल लिया बच्चों उसके बाद हम लोग एफ आई डी आई निकालते हैं डेविएशन को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स इंटू माइनस थर्टी करेंगे यहां माइनस वन एट्टी आ जाएगा ठीक है और उसी तरह हम लोग वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट करते हैं सिक्स इंटू माइनस थर्टी करके इलेवन इंटू माइनस ट्वेंटी करोगे तो माइनस टू ट्वेंटी हो जाएगा सेवन इंटू माइनस टेन माइनस सेवेंटी हो गया फोर इंटू जीरो थर्टी है अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई अगर हम लोग निकालते हैं बच्चों तो इन सब को अगर एड करोगे तो माइनस थ्री सिक्सटी आता है तो अब हमारा जो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड है उसमें जो फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू जो मीन होता है वो दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई तो जो मीन होगा ए हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है 50 है प्लस ऑफ माइनस ऑफ 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई थर्टी मतलब 50 माइनस ऑफ थ्री सिक्सटी बाई थर्टी फाइव करोगे तो ये भी वैल्यू थर्टी नाइन पॉइंट सेवन वन ही आ जाएगा तो ये दोनों मेथड हम लोगों ने कर लिया ये जो मेथड है ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड से जो हम लोग मीन निकालते हैं वो निकालने का फॉर्मूला है बच्चों तो ये हमारा हो गया बच्चों दोनों मीन निकालने का फॉर्मूला फटाफट अब हम लोग करेंगे मोड निकालने का कि मोड कैसे निकाला जाता है मोड क्या होता है एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में

मोड देखो अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मोड निकालना है बच्चों तो सबसे पहले क्लास इंटरवल हम लोग लिखते हैं क्लास इंटरवल मेरा थ्री टू फाइव हो गया फाइव टू सेवन है सेवन टू नाइन है और नाइन टू इलेवन हो गया और जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों लेट सेवन एट टू टू और वन है तो यहां पे ऐसा क्लास इंटरवल जिसका की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो यहां पे कौन सा क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है थ्री टू फाइव तो ये वाला जो क्लास है इसको हम लोग मोडल क्लास कहते हैं बच्चों अब यहाँ पे जो मोड निकालने का फॉर्मूला है बच्चों एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू होता है बच्चों इनका मतलब क्या है एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यहां पे मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो क्या है बच्चों थ्री है तो हम लोग थ्री लिख लेंगे F1 F1 क्या है F1 होता है होता हमारा जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी तो ये एट हो गया F0 क्या है मोडल Mod, क्लास से जो ऊपर वाला क्लास है उसका हमारा फ्रीक्वेंसी तो एट माइनस सेवन और F2 मेरा F1 के बाद वाले का फ्रीक्वेंसी तो ट्वाइस ऑफ एफ मतलब टू इंटू एट माइनस सेवन माइनस ऑफ टू तो इसको सॉल्व करोगे तो थ्री प्लस और इनटू यहाँ पे एच भी होता है जो एच है क्लास साइज होता है यहाँ पे क्लास साइज क्या 1 है बेटा वन है क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थ्री माइनस वन करोगे टू हो जाएगा सो इनटू टू कर दो तो थ्री प्लस टू बाय सेवन होता है दिस इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू एट सिक्स ये मेरा मोड हो गया डेटा तो ये आपने मोड निकालना भी सीख लिया बच्चों अब तीसरी चीज जो इस चैप्टर में है दैट इज मीडियन निकालना तो वो भी बहुत सिंपल है फटाफट उसको भी कर लेते हैं बच्चों सो so, मीडियन कैसे निकाला जाए उसके लिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों क्लास इंटरवल हम लोग लेते हैं जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी ये सब क्लासेस क्लास इंटरवल्स है 50 टू 60, 60 टू 70, सेवेंटी टू एट्टी एट्टी टू 90 और नाइन्टी टू हंड्रेड ये मेरा क्लास इंटरवल है अब फ्रीक्वेंसीज अगर हम लोग देखेंगे इन सब क्लास इंटरवल का ये है फाइव थ्री फोर थ्री थ्री फोर और उसके बाद सेवन नाइन सेवन और एट ये हमारा क्लास इसमें फ्रीक्वेंसीज हो गए बच्चों अब जब फ्रीक्वेंसीज होता है सबसे पहले इसमें स्टेप होता है कि हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हम लोग एड करते जाएंगे फाइव हो गया यहाँ पे फाइव प्लस थ्री एट ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी एट फोर्टी फाइव और फिफ्टी थ्री ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चों अब हम लोग देखेंगे जो टोटल नंबर है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे ना बच्चों समेशन ऑफ एफ आई ये मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इज इक्वल to 53 टोटल डेटा जो है 53 है सबको ऐड करने पे सो so, सबसे पहले आप एन बाई टू निकालो दैट इज 53 थ्री बाई टू दैट इज ट्वेंटी मीडियन होता क्या है मिडिल मोस्ट डेटा होता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये देखो यहाँ पे एन बाई टू टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना था यहाँ पे 53 था 53 बाय 2 कर लेंगे ये 26.5 हो गया हमें निकालना मीडियन क्या बताता है हमें मीडियन बताता है मिडिल मोस्ट डेटा कहाँ पे है तो इसमें मिडिल मोस्ट डेटा 26.5 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा वो निकालना है अब .5 क्या है इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा ट्वेंटी टू से लेकर लाई करेंगे ये मेरा क्लास जो है मीडियन क्लास हो गया बच्चों अब ये अगर मीडियन क्लास है बेटा तो अब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आप देखो एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इन एच ये हमारा फॉर्मूला होता है एल क्या हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो कितना है सिक्सटी है एन बाई टू एन बाई टू तो निकाल रखा है हम लोगों ने ट्वेंटी वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी टू है ये ट्वेंटी टू डालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है सेवन है इन टू एच एच कितना है बेटा दस है अब दिस इज इक्वल टू मीडियन इज सिक्सटी प्लस एन बाई टू ट्वेंटी तो ये हमारा डिवाइडेड बाय हो गया प्लस ऑफ तो तो इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों आता है तो आप लोगों ने देखा आज, की, आज के वीडियो में हम लोगों ने फिफ्टीन मिनट्स में पूरा जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का वो कवर किया होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो लाइक like करो और अपना नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो डालेंगे उसका इंतजार करो बाय एंड टेक केयर बच्चों